भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया। भाजपा ने इस विजन डॉक्यूमेंट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयद्रथ प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सहित राज्य के कई अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में पर्यटन, सुशासन, नारी की रक्षा और अन्य मुद्दों को प्राथमिकता से स्थान दिया है। अरुण जेटली ने इसे जारी करते हुए घोषणा की कि भाजपा सत्ता में आते ही कोटखाई की पीड़िता व वन रक्षक होशियार सिंह पर योजना शुरू करेगी। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुड़िया योजना के तहत महिला पुलिस थाने और हेल्पलाइन स्थापित किए जाएंगे, जबकि वन रक्षक के नाम पर मुख्यमंत्री कार्यालय में 24 घंटे होशियार हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शिमला में विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल का कांग्रेस का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा है। सरकार पहले दिन से अंतिम दिन तक कोई विश्वसनीयता नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि सरकार की एकमात्र गतिविधि थी अपने आप को और अपने नेतृत्व को बचाना। जेटली ने कहा कि मुख्यमंत्री पर चल रहे केस दस्तावेज के आधार पर दर्ज किए गए हैं और इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वहीं जेटली ने कहा कि हिमाचल में केंद्र की तरफ से काफी मदद दी गई, लेकिन इसके बावजूद अगले दस वर्ष जितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार 5 वर्ष व्यर्थ ही निकाल चुकी है। It was a government which was perpetually under a cloud. और सरकार की एकमात्र गतिविधि ये थी कि किस प्रकार से अपने आप को और अपने नेतृत्व को बचाए रखें। एक सेल्फ सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट के साथ जब सरकारें चलती हैं और जब एकमात्र उनका उद्देश्य सिर्फ स्वयं को बचाना होता है, तो फिर जिस आधार पर, जिस मैंडेट के लिए वो चुनी गई है, उसको पूरा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। और इसलिए 5 वर्ष तक एक तरफ सेल्फ सर्वाइवल की लड़ाई थी, दूसरी तरफ सरकार के भीतर एक पावर स्ट्रगल थी। सरकार के नेतृत्व का जब सरकार के भीतर ही आदर ना हो, तो फिर जनता के सामने भी उसका आदर नहीं रहेगा। उन्होंने जीएसटी पर बोलते हुए कहा कि जीएसटी पर छूट की सीमा 20 लाख है, जबकि पहाड़ी राज्यों की मांग पर इसे कम करके 10 लाख किया गया है। हिमाचल ने खुद ही मांग की थी कि इसे 10 लाख किया जाए, इसलिए 10 लाख किया गया है। जब जीएसटी काउंसिल ने पूरे देश में जीएसटी की एग्जेम्पशन लिमिट तय की, तो देशव्यापी एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख रूपये की। पूर्व उत्तर के राज्यों ने और पहाड़ी राज्यों ने ये कहा कि भाई हम छोटे राज्य हैं, हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है, तो हम 20 लाख तक छूट नहीं देंगे, हम 10 लाख तक देना चाहेंगे। तो उनकी स्वयं की मांग पर उनको काउंसिल ने ये सुविधा दी। और मैं मानता हूं हिमाचल में तो अधिकतर 1 करोड़ से कम ही होंगे, उनको 1% टैक्स देना। 20 लाख तक तो पूरी छूट है देशभर में, और 1 करोड़ तक की सीमा है 1% टैक्स, एक नॉमिनल 1% टैक्स पे पूछने, ताकि छोटे व्यापारियों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो हिमाचल ने कहा नहीं, हमारे केस में 1 करोड़ नहीं, हमारी 75 लाख। तो मांग पर इन्होंने कम ली,